ईमानदार हूँ, बेईमान हूँ। 1.5 करोड़ रुपए लगा के जोड़ी पानी की निकासी के लिए जगह नहीं थी। पूरी हरियाणा सरकार के अंदर कोई नहीं आया, जिसमें 40 लाख रुपए की जमीन मोल बीजेपी की जड़ खोते हैं, जड़ असल मर्ज वार्ड का मेंबर बन के दिखाते पैदल पुरते हैं। मैं इस्तीफा दूंगा, सभी बकरी या बच्चा गरीब पकड़ के घुमा देगा। ईमानदार हूँ, बेईमान हूँ। 1.5 करोड़ रुपये लगा के सरपंच बने हूँ, 1.5 करोड़। और गांव के अंदर एक दिन एक मंत्री को नहीं आया। भाई हमारी गांव के अंदर 3 गांव आते हैं, पंचायत के अंदर 3 गांव, और एक जोड़ी पानी की निकासी के लिए जगह नहीं थी। पूरी हरियाणा सरकार के अंदर कोई नहीं आया, जिसमें 40 लाख रुपए की जमीन मोल लेके गई। और भाई मैं माफी चाहता हूँ, अगर मेरे मुंह से कोई भी कड़वा शब्द निकले तो सिर्फ 2 मिनट लेऊंगा आपकी, 2 मिनट। ये हमारी 80 1 और 2 ब्लॉक से 80 सरपंच है, 80 सरपंच, 80 के 80 सरपंच इस आपकी टोहाना धरती के ऊपर मौजूद है। और रही बात आगे की, आज तो भाइयों ट्रेलर था ट्रेलर, रीव योर राइट कॉल बता रहे ना, सरपंच को हटा देंगे। भाइयों 2024 में यह कॉल अपने पास है, किसको हटाना है किसको लगाना है, ये बात ध्यान रख लियो। इस बीजेपी की जड़ खोते हैं, जड़ असल मर्द के बीच नहीं आकर जब बीजेपी दोबारा आ जाए तो। और मैं तो फिर कहूँ हुजा बात भाई, इस सब पिक्चर के मैं निकलना जीक रहे आज। और अगर थारे अंदर कोई ताकत है, अगर पूरा हरियाणा के अंदर ताकत नहीं है, एक सिर्फ सरसा बाबा बैठे, सरसा बाबा उसको छुट्टी दुआ दे है सरकार बदलने खातर, और आज पूरा हरियाणा के सरपंच यानी पूरी हरियाणा की ताकत इस ग्राउंड के ऊपर बैठे है, और इस बीजेपी सरकार को वो ताकत नहीं दिखने लग रही। तो शर्म हो ना किसे भाई सरपंच और किसे मेरे 36 बिरादरी के भाइयों को, तो डूब के मर जाइयो, डूब के मर जाइयो। अगर इस 2024 के अंदर अपनी मांग आज नहीं माननी, एक हफ्ता के दौरान 15 दिन के दौरान कभी भी हो, मेरा नंबर नोट कर लियो जी, फांसी तुड़वा दियो बीजेपी सरकार। बहुत लोग कहने आए हैं तू ज्यादा बोले ज्यादा बोले, भाई सरपंच बोलने खातर कौन बने हाँ, बनता पहला जनसभा में जाया कर दे, नू गया कर दा मैं 25 तारीख पछे मेरा काम बोल लगा, मैं कौन बोलू। और आज मेरे को इस बीजेपी सरकार ने मजबूर कर दिया बोलने खातर, भाइयों मैं कौन बोल, मेरा काम कौन बोल रहा, मैं बोलने लग रहा हूँ। और मेरे गांव के लोगों से मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ मैं मेरे गांव के लोगों से, मेरी पंचायतों से, जो मेरे को इतना मान सम्मान देके मेरी टक्कर में 3 सरपंच खड़े थे, 3 लोगों को वोट मिला हुआ तो भी मेरे से कम थे भाइयों। और मेरे 80 ब्लॉक के अंदर सिसाई गांव है, उसमें 1028 वोटों से जीत के मेरा भाई आ रहा है। बडाला गांव है, 582 वोटों से जीत के आ रहा है। 5 गांव हरियाणा के सबसे बड़े गांव 80 के अंदर लेके बैठे हैं। और किसे सरपंच भाई ने और किसे ने भी डर ला दो तो 80 का सरपंच जाने बुला लियो, सबसे पहला चोरी छाती मारी होगी भाई। 56 इंच का सीना लेके उतर रहे हैं, जय हिंद जय हरियाणा, भारत एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, सत्ता सरकार मुर्दाबाद। सारा भाइयों ने मेरा मुंह तक कोई गलती हो तो भाई माफ कर देना, प्रदीप लाठी मेरा नाम है। और किसे भाई ने चंदा खातर, किसे भाई ने सरपंची तो बहुत बड़ी चीज है, वार्ड का मेंबर बन के दिखाते पैदल पुरते हैं। मैं इस्तीफा दूंगा लिख के ले आओ, मैं इस्तीफा लिख के ले आओ, मैं इस्तीफा दे भाई। और अगर ये राइट टू रिकॉल और यही टेंडरिंग बंद नहीं आई तो मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ, तो आप सब सामूहिक इस्तीफा देंगे अपन सब मिलके, तो इनके गुलाम खाली सरपंच अभी पकड़ी या बच्चा गरीब पकड़ के घुमा देगा। गांव में हमने बना रखे हैं, MLA बन सकते हैं पार्टी के दम पे, लहर के दम पे, पैसे के दम पे, लेकिन सरपंच है ना गांव राम बना है। एक एक आदमी सरपंच को डायरेक्ट जानते हैं, उसको पता होता है कौन आदमी ईमानदार है। गांव राम ईमानदार आदमी को सरपंच बनाते हैं, इससे पूरे ये जो हम बैठे हैं ना, ये आप ये मत बोलो 7-8 हजार लोग हैं, ये समझो ये 70-80 लाख लोग बैठे हैं, क्योंकि एक सरपंच के पीछे 1500-2000 आदमी।
बच्चे को नहीं जड़ साल घुमा दे ना, ये सीट बजा देंगे। और सभी से टाइम कम है, कोई बात नहीं, मैं सभी भाइयों से मैं ये की बात करता हूँ, यह तो ये दो चार दिन में अपनी मांग मान लेंगे, एक हफ्ते का टाइम दे दी उन्हें, या ई टेंडरिंग बंद करो, सरपंचों का मानदेय बढ़ाओ, और ये जो चोर कहना छोटो मैं राइट टू रिकॉल इसको वापिस ले, नहीं तो सभी सरपंच भाई सामूहिक इस्तीफा दे, और मैं तो जरूर भैया बुनना भूखे तो बैठूंगा, आम और अंसर पे बैठूंगा और इस्तीफा दे के बैठूंगा।